नमस्कार बीसी न्यूज के भविष्य दर्पण इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज उपस्थित है हमारे स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य श्रद्धानंद मोहन जी, इनसे हम जानेंगे राहु और केतु के बारे में, साथ ही साथ इनकी पौराणिक कथा क्या है इसके बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में। सवाल मेरा आपसे ये है कि राहु और केतु इसकी पौराणिक कथा क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार, हमारे सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अक्टूबर 30 तारीख को तकरीबन 2:13 को दोपहर को अपना राहु केतु का जो गोचर है, जो मेष राशि में थे, मेष राशि से वो अभी मीन राशि में आएंगे राहु, और जो केतु तुला राशि में थे वो तुला राशि से केतु ग्रह कन्या राशि में गोचर करेंगे। यानी सारे ग्रह सीधा चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। राहु केतु का कैसा है, ये छाया ग्रह है। ग्रह छाया ग्रह कैसा है, उन ग्रहों का आकाश गंगा में कोई अस्तित्व नहीं है, एक बिंदु मात्र के नाम से जाना जाता है। और ये छाया ग्रह इसीलिए क्योंकि जिस ग्रह के साथ रहते हैं उस ग्रह का गुण ले लेते हैं। और ये जो राहु केतु का ये बहुत विशेष एक गुण क्या है, वक्री। वक्री यानी कैसा, उल्टा चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये हो गया राहु केतु का। अब देखिए राहु केतु का अपना पौराणिक महत्व क्या है बोला तो, जब समुद्र मंथन हो रहा था माता लक्ष्मी को और अमृत को निकालने के लिए, देवासुर लोग मिलके वासुकी को मेरु पर्वत को ये कर रहे थे, तब राहु केतु नाम के दो एक राक्षस, राहु नाम का एक राक्षस था। वो राहु नाम का राक्षस क्या कर रहा था, वो देवताओं का भेद बदल के जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में अमृत बांट रहे थे देवताओं को, तब राहु को ऐसा डाउट हुआ कि भगवान विष्णु पूरा का पूरा जो अमृत है ये देवताओं को दे देंगे, राक्षसों को नहीं देंगे। तो उसीलिए राहु ने क्या किया, अपना भेष बदला देवता के रूप में, देवता के रूप में अपना भेष बदल के जहाँ के देवताओं के लाइन में बैठ गया, उनके इसमें पंगत में। तो भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में जैसा अमृत डाला, सब देवताओं को डालते रहे, राहु ने भी ले लिया। लेके जैसे ही राहु ने अपने हाथ से अंजलि में लेके मुँह तक का डाला, तुरंत क्या किया, सूरज और चंद्रमा, उनका ज्ञान का चक्षु है, उनसे कुछ छुपता नहीं है, तो सूरज चंद्रमा ने बता दिया भगवान कृष्ण यानी विष्णु भगवान को मोहिनी रूप में जो थे, प्रभु ये देवता नहीं है, राक्षस है राहु नाम का। तब तुरंत भगवान हरि ने क्या किया, भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र निकाला, सुदर्शन चक्र निकाल के राहु को सर से काट दिया, यानी गले से काट दिया। हालांकि उस राहु ने अमृत निगल लिया था तो उसका मृत्यु नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, ऊपर का भाग जो शीश है राहु बन गया, उसका धड़ है जो केतु बन गया। ये राहु केतु के रूप में जब वो प्रस्तावित हो गया सृष्टि में, तो भगवान हरि भगवान नारायण ने क्या किया, उस राहु केतु को जग कल्याण के लिए एक रूप छाया ग्रह के रूप में उनको स्थान दिया नव ग्रहों में। नहीं तो इसके पहले 7 ग्रह थे शनि तक का, अभी ये राहु केतु की वजह से 9 ग्रह। राहु केतु का कैसा है, राहु अगर देने पे आया, राहु बोलते हैं पत्रिका में राहु आके ऐश्वर्य कारक है, अगर राहु देने पे आया तो वो अंबानी अरबपति खरबपति बना देता, अगर लेने पे आया दाने दाने पे मोहताज होता इंसान। और जो केतु रहता ना, राहु आकर दुनियादारी मेटेरियलिज्म के प्रभुत्व का कारक है, केतु आकर अपना आध्यात्मिक ज्ञान भक्ति मुक्ति साधना वैराग्य का कारक है। और जब राहु अच्छा होता है पत्रिका में वो राजयोग देता है, पैसा पानी घोड़ा बंगले सब देता है, और जब केतु अच्छा होता है पत्रिका में ज्ञान देता है, समाधान देता है और शांतता देता है और उच्च कोटि का आध्यात्मिक उन्नति कराता है इस व्यक्ति को। देखिए अब ये हो गया राहु केतु के अपने कथा, पौराणिक कथा और उनका फलाफल क्या है। तो राहु और केतु का गोचर जो आपने बताया है, तो इसका 12 राशियों पर जो है किस तरह से प्रभाव रहेगा या असर होगा, क्या बताओगे। सबसे पहले हम जानते हैं मेष राशि के बारे में, जो पहला राशि है जो मंगल का राशि है। मेष राशि में अभी तक का राहु का गोचर था, अभी ये 30 तारीख को राहु निकलकर अपने मेष राशि से 12वें घर में यानी मीन राशि में प्रवेश होगा, और केतु का गोचर जो है कन्या राशि में होगा मेष राशि के लिए। तो यानी 12वां और छठा राहु 12वां और केतु छठा गोचर करने से मेष राशि वालों के लिए फॉरेन संबंधित ट्रेड में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम के साथ उन्नति मिलना, परेशानी पाँव में होना और शत्रुओं से थोड़ा सा परेशान होने का योग बनता है। मेष राशि वालों को अचानक कोई लॉस होना या छोटा मोटा चोरी चकारी होने का योग बनता है, लेकिन केतु का गोचर छठे में होने से मेष राशि वालों को
कंपटीशन में जीतना, जो बनते बनते काम अभी तक का बन नहीं रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे काम, और सबसे बड़ा बात मेष राशि वाले अगर थोड़े स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक जाते हैं तो उनको उन्नति बहुत होता है। खास करके मेष राशि वाले जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो सट्टा का जो लॉटरी का काम करते हैं, उनके लिए थोड़ा सावधानी बरतना है। बाकी मेष राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा ये डेढ़ साल, क्योंकि राहु केतु जो घर बदलते हैं एक बार वो घर बदलने के बाद डेढ़ साल एक राशि में रहते हैं। अब देखिए ये 30 अक्टूबर 2023 को घर बदले मेष राशि में, यानी मेष राशि मीन राशि में राहु केतु, अभी 18 मई 2025 तक का वो उधर ही रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी डेढ़ साल यानी 18 महीने एक राशि में रहेंगे राहु केतु। तो मेष राशि के लिए ये हो गया। अभी दूसरा है अपना वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के लिए 11वें स्थान में राहु का गोचर होगा, जिसकी वजह से उनका इनकम बढ़ेगा, आवक बढ़ेगा, आवक के स्रोत बनेंगे नए, और जो फॉरेन संबंधी ट्रेड कर रहे हैं, शेयर संबंधी ट्रेड कर रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा, दोस्तों से उनको ज़्यादा फायदा होगा, बड़े भाई बड़े बहन से फायदा होगा वृषभ राशि वालों को। हालांकि पंचम में केतु होने के चलते जल्दी गुस्सा आना, चिड़चिड़ करना, या बोले कोई छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाना, बच्चों के वजह से दुखी होना या बच्चों के लिए दुखी होने का योग बनता है। थोड़ा सा पेट संबंधी विकार हो सकता है, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो सकता है, तो टाइम टू टाइम थोड़ा योगा करें, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगला है अपना मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि आके बुध का राशि है। मिथुन राशि के लिए केंद्र में दो बड़े ग्रह यानी राहु आके दशम के केंद्र में, केतु आके चतुर्थ के केंद्र में रहेगा, तो ये मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा समय माना जाएगा। धंधे आने कामकाज के अंदर, बिजनेस के अंदर उन्नति रहेगा, शेयर मार्केट में उन्नति रहेगा, और जो लोग विदेश संबंधी व्यापार करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका रहेगा। डेढ़ साल उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और रही बात थोड़ा सा केतु का कैसा है, उनका थोड़ा मानसिक थोड़ा तरीके से थोड़ा सा कुंठित होना, थोड़ा सा दुखी होना, या बिल्कुल एरोगेंट हो जाना, दया कम हो जाना, और माता के प्रति थोड़ा चिंतित होना, या माता के वजह से चिंता होना, या माता के स्वास्थ्य में कमी होने का योग बनता है मिथुन राशि वाले। ऑल ओवर मिथुन राशि वालों के लिए राहु केतु का जो गोचर है अच्छा रहेगा। बिल्कुल। अगला है अपना कर्क राशि, जो चंद्रिका राशि है। देखिए कर्क राशि में कैसा है, अभी अष्टम का शनि भी है और अभी नवम में राहु भी आ जाएगा, तो कर्क राशि वालों के लिए समय मिला जुला रहेगा, बहुत अच्छा नहीं हो पाए हो रहेगा, बहुत बुरा भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन मध्यम रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। लेकिन सरकार संबंधित जो काम पेंडिंग है वो काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा कमी रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। हालांकि केतु के तीसरे स्थान में गोचर होना, उनके बल बुद्धि पराक्रम में बढ़ोतरी रहेगा। जो लेखन का काम करते, एडिटर का काम करते, लिखने का काम करते, जो भी लिखने का एडिटर वर्क जो भी काम है, उनके लिए बहुत अच्छा एक समय माना जाएगा। जो नेता लोग हैं कर्क राशि, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, ना जो काम नहीं हो पा रहा था वो भी अभी बाहुबल पराक्रम से सिद्ध कर पाएंगे कर्क राशि वाले। और कर्क राशि वालों को पिता से संबंधित कोई चीज़ है, यानी जो एलिगेशन से या मनमुटाव चल रहा है पिता के साथ, उसको संभल के चलना और अपने गुस्से पे नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अपने वाणी पे क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है कर्क राशि वाले, नहीं तो बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाएंगे, उसका परिणाम गलत हो जाएगा। अगला है अपना सिंह राशि। देखिए सिंह राशि वालों के लिए ये जो राहु केतु का गोचर है उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाएगा। कौटुंबिक समस्या रहेगा, पारिवारिक समस्या हो सकता है, पैसे पाने को लेके थोड़े से नोकझोंक हो सकते हैं घर में, और पेट संबंधी समस्या रहेगा, पाचन संबंधी समस्या हो सकता है, वाणी का दोष रहेगा, यानी बोलना कुछ और चाहते हैं और कुछ बोल जाते हैं वो सामने वाला इंसान, उसका कुछ और मतलब निकल जाता, ये हो सकता है। और दूसरा इसमें कैसा है, राहु का गोचर अष्टम होने से उनके ऊपर अपवाद हो सकता है, यानी उन्होंने जो गलती नहीं किया उस गलती का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और राहु का अष्टम होने से ये फायदा ये है कि अगर वो लोग ध्यान करते हैं, थोड़ा सा रिलीजियस यानी थोड़ा सा आध्यात्मिक बनेंगे, तो उनका उच्च कोटि का ज्ञान का प्राप्ति हो सकता है सिंह राशि वालों को। हाँ जी, देखिए अगला राशि है अपना कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अभी तक का अष्टम में राहु थे, दूसरे में केतु थे, बहुत परेशान रहे, उस केतु के ऊपर शनि की दृष्टि रही, और इसके पहले फिर रात में अभी राहु के ऊपर शनि की दृष्टि थी, तो बहुत परेशान थे। लेकिन अभी कैसा है, कन्या राशि वालों को राहु आकर मेष राशि से मीन राशि में जाने की वजह से शनि की दृष्टि नहीं रहेगी अष्टम में, अष्टम का राहु का गोचर निकल जाएगा, सप्तम में आएगा राहु, और लगन में केतु आने से थोड़ा हटीपन ज़्यादा बढ़ सकता है कन्या राशि वालों के लिए। अभी तक का उन्होंने जो भी दुख सहा है ये डेढ़ साल, अभी उनको लगता है कि नहीं हमको प्रोग्रेस करना चाहिए, ये सब
बेकार की बातें छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए करके उनके मन में आएगा। और कन्या राशि वाले खास करके अपनी पत्नी या पति के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा स्वास्थ्य ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पति पत्नी के प्यार मोहब्बत के रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। और जिनको प्यार वगैरह चल रहा है, शादी करना चाहते हैं, वो लोगों ने अपने पार्टनर से बहुत सोच समझ के व्यवहार करे बोले, नहीं तो उस रिश्ते में मनमुटाव आने का 100% योग बनता है। और दूसरा, कन्या राशि वालों के लिए पेट संबंधी समस्या हो सकता है, ध्यान देना है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग शेयर संबंधित काम करते हैं, फॉरेन संबंधित काम करते हैं, या लॉटरी या फिर कोई ऐसे गेमिंग का काम करते हैं कन्या राशि वाले, उनके लिए बहुत अच्छा समय है, यहाँ से उनकी उन्नति होगी। और यहाँ तक अभी तक का जो कन्या राशि वालों के लिए धनागम में जो अड़चन था, यहाँ से वो अड़चन निकल के अच्छा धनागम है, पैसे आने का योग बहुत अच्छा बनता है। अगला है अपना तुला राशि, जो शुक्र का राशि है। देखिए, तुला राशि आकर तुला राशि में कैसा, अभी तक का केतु का गोचर था राहु का मेष राशि में, अभी तुला राशि से 12वें में केतु आ गया, 6ठे में राहु आ गया। 6ठे में राहु आने से उनके जो अभी तक का काम नहीं बन रहे थे, वो सारे काम बनेंगे, अपने बाहुबल पराक्रम से काम बनेंगे, लेकिन थोड़ा अड़ियल बन जाएंगे, जिद्दी बन जाएंगे तुला राशि वाले। उनको लगेगा वो जो बोलते वही सही है, वो थोड़ा टेंडेंसी उनको कम करना चाहिए। और दूसरा, अपने बाहुबल पराक्रम से जो काम नहीं बनते तो वो बनाएंगे। शत्रु पक्ष के वजह से परेशान होना, शत्रु पक्ष पे विजयी होना, और कानूनी संबंधित चीज़ों में हेर फेर होना, या कानून संबंधित कोई चीज़ चल रहा है उसको लेके तुला राशि वाले बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। शांति से ठंडे दिमाग से निपटाए उसकी समस्या को, नहीं तो उनकी हटी और गुस्से की वजह से बनता काम बिगाड़ सकते हैं। अगला है अपना वृश्चिक राशि, जो मंगल का राशि है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए 5वें में राहु है, 11वें में केतु है, ये बहुत अच्छा योग है। यानी वृश्चिक राशि वाले बच्चे, जो माता पिता है उनके बच्चे फॉरेन जाना, स्कॉलरशिप में पढ़ाई करना, और ये सारे बहुत अच्छे योग बनते हैं। और वृश्चिक राशि वालों को 11वें में केतु होने से नए दोस्त बनेंगे, लेकिन थोड़े बहुत दोस्त चुन के करें, क्योंकि उसमें केतु 11वां का केतु कैसा रहता है, थोड़े आड़े टेढ़े दोस्त भी देता है, जो आगे चल के थोड़े प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो चुनकर, चॉइस करके, बराबर चुनकर दोस्ती करें वृश्चिक राशि वाले। और वृश्चिक राशि में व्यापार वृद्धि अच्छा रहेगा, कामकाज में बढ़ोतरी रहेगा, आवक अच्छा होगा, और उनको शिक्षा संबंधित क्षेत्र में वृश्चिक राशि वालों को बहुत अच्छा लाभ होगा। जो लोग वृश्चिक राशि से टीचर्स हैं, या जिनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मंत्री है, जो राजनीति में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्टर में हैं, उनके लिए IAS है, उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है 1.5 साल वृश्चिक राशि वालों के लिए। कुल मिला के वृश्चिक राशि वाले बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पेट संबंधी समस्या रहेगा, बच्चों पर थोड़ा ध्यान दें, बच्चे बिगड़ने का योग बनता है वृश्चिक राशि वालों को, बाकी बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगला है अपना धनुराशि, जो गुरु का राशि है। धनुराशि वालों को देखो कैसा है, दोनों केंद्र में दो छाया ग्रह है, तो इससे क्या होगा, धनुराशि वालों को काम शुरू करने के पहले या कुछ काम करने के टाइम पे उनको कंफ्यूजन रहेगा, मैं ये काम करूं, कैसे करूं, प्लानिंग, उनका जो ब्लूप्रिंट करना है, प्लानिंग में बहुत दिक्कत आने वाला है धनुराशि वालों को। क्योंकि जल तत्व में राहु का गोचर है, पृथ्वी तत्व में केतु का है, केतु यहाँ से कंफर्टेबल है, लेकिन राहु जल तत्व में थोड़ा सा असंतुलित हो जाता है। तो उसके लिए उनको प्लानिंग सेक्टर बराबर होना, और जो वो प्लान करेंगे उसको बराबर एक रेडी करके बाद में उस पर काम करेंगे, धनुराशि के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन दशम में केतु होने से क्या होता है, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में काम करने का योग बनता है, वो बिल्कुल वो न करें, थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे तो अच्छा है धनुराशि वालों के लिए। और नया गाड़ी, नया मकान, नया भूमि का योग बनता है धनुराशि वालों के लिए, वो उनको फायदा होगा। ये 1.5 साल के अंदर चांसेस पूरा है कि धनुराशि वाले या तो नया गाड़ी लेंगे या नया प्रॉपर्टी लेंगे। और अपने माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें, और अगर अपनी माता का सेवा करेंगे, माता का सेवा करेंगे धनुराशि वाले, तो उनको राहु भगवान का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, अगला है अपना मकर राशि, जो श्रीदेव का राशि है। मकर राशि के लिए अभी तक का राहु चतुर्थ में और दशम में थे, अभी ये अक्टूबर के 30 तारीख से, अब 2023 के अक्टूबर के 30 तारीख से राहु आके मीन राशि में, केतु आके कन्या राशि में आने से राहु का गोचर तीसरा हो जाता है, केतु का गोचर नवम हो जाता है। ये मकर राशि वाले बहुत अच्छा पीरियड माना जाएगा, अपने बाहुबल पराक्रम और अपने एक ज्ञान से सारे चीज़ अर्जित करेंगे। अभी तक का जो इमोशनल सेटबैक था, या परेशान थे व्यापार को लेके, काम का जो घर गृहस्थी को लेके इमोशनल टेंशन था, घर का उनको डोमेस्टिक थोड़ा टेंशन था, ये सारे चीज़ें 6ठे भी दिखाई देगा 1.5 साल में। उनके न बनने वाले काम बनाएंगे, और अपने बाहुबल पराक्रम सारे काम जीतेंगे, लेकिन अपने पिता के स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान देना है मकर राशि वालों ने, और अपने बॉस से अच्छे रिश्ते बना के चलने का कोशिश करना चाहिए मकर राशि वालों ने। और उसके ऊपर मकर राशि वालों को राहु आकर तीसरे में होने की वजह से
उनका जो लेखनी का संबंधित काम है, जो लिखने का है, जो लीडर लोग हैं, वो लोग ऐसा अच्छा अच्छा काम करेंगे कि उनका वो छाप छोड़ के जाएंगे, भाई इन्होंने ये काम किया करके इतना अच्छा समय रहेगा मकर राशि के लिए। अगला है अपना कुंभ राशि। देखिए कुंभ राशि के लिए राहु आके दूसरे में गोचर है और केतु आके अष्टम में गोचर है अभी 30 तारीख के बाद। तो कुंभ राशि के लिए राहु आके दूसरे स्थान में गोचर करना, अभी जो मीन राशि में जो गोचर कर रहे हैं, उसके वजह से धनागम होगा, पैसे पाने का व्यवस्था होगा, परिवार के अंदर थोड़ा छोटा मोटा नोक झोंक रहेगा, लेकिन अगर उनके समझदारी से अगर वो निपटा पाए तो बहुत अच्छा रहेगा धनुराशि वालों के लिए। और पैसे अचानक मिलने का योग बनता है धनुराशि वालों को, सॉरी कुंभ राशि वालों को पैसे अचानक मिलने का योग बनता है, लेकिन अचानक यानी शॉर्टकट लेना गलत बात है, शॉर्टकट में पैसे डुबाएगा राहु। तो कुंभ राशि वाले जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि अपना प्लानिंग बराबर रखें, फाइनेंशियली सेफ खेलें, ज़्यादा जगलिंग करेंगे, ज़्यादा आप गैम्बलिंग करेंगे पैसे को लेकर, नहीं इतना लगाऊंगे इतना आ जाएगा, उसमें पैसे डूब सकते हैं, सोच समझ के करें। और अष्टमी केतु होने की वजह से मार लगना, चोट लगना, या अंदर से कोई घाव है, या अंदर हड्डी में कोई घाव है या दर्द है, उसको नकारे नहीं तो वो बहुत लंबे तक का पीड़ा देगा कुंभ राशि वालों को। और कुंभ राशि वालों खास करके पेट संबंधी समस्या रहेगा, और इसमें कैसे ये 1.5 साल में देखोगे कुंभ राशि वाले टाइमिंग उनका खराब हो जाएगा खाने का, एक को कभी शाम को खाएंगे, एक रात को खाएंगे, ऐसा एक स्किप करेंगे, ये गलत नहीं होना। और कुंभ राशि वाले बोलना बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे कुछ और लोग समझेंगे कुछ और टोच के बोलना, बोलते ना टोच के बोलना, ये टोच के बोलने का थोड़ा सा प्रवृत्ति बढ़ेगा कुंभ राशि वालों को, इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। देखो आखिर है अपना मीन राशि। देखो मीन राशि वालों को कैसा, जैसा कुंभ राशि वालों को 7.5 चल रहा है, मीन राशि वालों को भी 7.5 चल रहा है। अभी ये 7.5 के अंदर कैसा है, उसके अंदर राहु लगन में आ गया, तो मीन राशि वालों को कैसा थोड़ा कन्फ्यूजन वाला समय, वो बराबर अपने आप को एसेस नहीं कर पाएगी मेरे को करना क्या है क्या, क्योंकि शनि का बल नहीं है पहली बात तो, और शनि बार बार में घुमा रहा, दिमाग घुमा रहा उनका, और हर तरफ से उनको नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा मिल रहा है मीन राशि वालों को। उसके अंदर भी राहु लगन में आ गया तो उनको सपने बड़ा दिखाएगा लेकिन करने को मौका नहीं देगा। तो इसके लिए क्या करना, थोड़े ठंडे दिमाग से, शांति से, थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा बराबर प्लान करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा मीन राशि के लिए। और रही बात मीन राशि के लिए पैसे आने का योग बन रहा है, और अभी तक का जो पैसे रुके हुए थे, जो मार्केट में पैसे खेल के उनको पैसे नहीं मिल रहे थे, वो पैसे आने का शुरू होता, और उनके जीवन में जो अच्छा एक शुभ कार्य होना या अच्छा कार्य होने का जो योग अटका हुआ था, वो सारे के सारे योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और उनका जो भी गलत है वो सारे चीज़ें अच्छे होने का योग बनता है। तो ये था अपना मीन राशि वाले के लिए, और मेष राशि मीन राशि वाले 12 राशि के लिए राहु केतु का अपना फल। देखिए जैसे कि आपने अभी तो 12 राशियों पे केतु और राहु का जो गोचर हुआ है उसके बारे में जानकारी दी है, लेकिन जो मतलब असर होने वाला है, जो प्रभाव पड़ने वाला है, उसके लिए कुछ उपाय होंगे वो हमारे दर्शकों को। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए ये जो अपना राहु केतु का जो गोचर है, जैसा आपको मैंने पहले बताया, एक राशि में 1.5 साल, यानी अभी 2025 मई को ही निकलेंगे, 18 मई को ही निकले, 2025 18 मई को ही निकलेंगे राहु केतु मीन राशि से कुंभ राशि के अंदर, तब तक का ये 1.5 साल तक का उधर ही रहेंगे। तो ये क्या रहता है, जितना जैसा शनि ग्रह 2.5 साल एक राशि में, गुरु ग्रह 13 महीने एक राशि में, और राहु केतु 1.5 साल एक राशि में जैसा रहता है, जितना ग्रह धीरे चलता उसका प्रभाव जीवन पे उतना गहरा और उतना इम्पैक्ट जोरदार रहता है। तो राहु केतु का इम्पैक्ट बहुत जोरदार रहता है, और देखो अभी जो युद्ध चल रहे हैं ये चल रहे हैं, और ये भी बढ़ेगा, और समुद्र पे आप देखो, पानी के अंदर समुद्र के अंदर युद्ध ज़्यादा होएगा, पानी के अंदर समुद्र के अंदर ज़्यादा घटनाएं घटेंगे आप देख ले राहु केतु की वजह से। तो ये एक मेन रहेगा उसका। और रही बात अपना ये जो उपाय हम करेंगे, सबसे अच्छा है राहु केतु को अच्छा करना, कुत्ते को रोटी डालना है, कुत्ते से अपने कुत्ते को प्रताड़ना नहीं करें, पत्थर नहीं मारें, और जो पीड़ित कुत्ते हैं उनको थोड़ा खाना बना खिलाए ये करें, और माता पिता का सेवा करें, उसमें भी कैसा माता पिता जो होते हैं अपने नाना नानी दादा दादी जो होते हैं उनका अगर सेवा करते हैं, और जो भी नहीं है कोई भी किसमें घर में वृद्धजन जो गरीब वृद्ध रहते हैं उनका अगर सेवा करते हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। और सबसे बढ़िया भगवान हनुमान जी, माता दुर्गा और भगवान गणपति का जो नियम से उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके लिए राहु केतु उल्टा अच्छा फल देगा, अगर गलत भी है पत्रिका में तो अच्छा फल देगा, ये सिद्ध है, शास्त्रों में लिखा गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इस कार्यक्रम के माध्यम से राहु और केतु के महत्व के बारे में बताया, साथ ही साथ जो राहु और केतु का गोचर हुआ है उससे क्या परिणाम होने वाला है 12 राशियों पर, उससे बचने के उपाय भी आपने बताए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के भविष्य दर्पण इस कार्यक्रम में वक्त चला यह रुकने का, आप देखते रहिए BCN News। नमस्कार।